नमस्कार दोस्तों, ए जे बाटी में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों स्क्रीन पे देख रहे हो उसी तरह आप भी न्यू ट्रेंडिंग भगवान शिव का स्टेटस एडिटिंग करना चाहते हो तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। और दोस्तों इस चैनल पर रोज आपको एक नई वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में वी एन ऐप को ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो इधर से आपको प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से आपके पोस्ट जो भी आपके पोस्ट है वो ऐड कर लेना है। तो ऐड करने के लिए दोस्तों आपको जितना भी यहाँ पर आपको कम से कम 10 फोटो वो ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से पहले अपने 10 फोटो वो ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको इधर से 10 फोटो आपके रहेंगे वही ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से मैं यहाँ से पहले अपने 10 फोटो ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो रहेगा वो बहुत ही कमाल का और बहुत ही यूनिक बन के रेडी हो जाएगा। तो उसी तरह से मैं यहाँ से अपने 10 फोटो ऐड कर लेता हूँ। तो ऐसे देख सकते हो उसी तरह से मैंने यहाँ से 10 फोटो वो ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर से आप देख सकते हो उसी तरह से मैंने 10 कर लिए और यहाँ से तीर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सेव पोस्ट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाने के बाद दोस्तों ऊपर आपको इधर ऊपर ओरिजिनल है वहाँ पर क्लिक करना है, 9/16 का रिव्यू सेलेक्ट कर देना है। उतना करने के बाद दोस्तों इधर से आपको अपना जो ब्लैक स्क्रीन वीडियो व्हाइट स्क्रीन वीडियो वो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ से व्हाइट स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ से आपको ये इधर तीर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सभी वीडियो रहेंगे वो कुछ इसी तरह से थोड़ी देर में आपका वीडियो रहेगा वो उधर ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से इधर आपको प्रोसेसिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और कुछ ही देर में आपका जो वीडियो रहेगा उधर ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से हमारा वीडियो है वो उधर ऐड हो चुका है। तो दोस्तों उसी तरह से आपका वीडियो आ जाएगा और इधर से आप देख सकते हो उसी तरह से इधर से आपको अपना म्यूजिक है वो ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से म्यूजिक वाला ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से अपना जो भी म्यूजिक है वो ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद दोस्तों इधर म्यूजिक बीट पर क्लिक करना है, आपको कुछ इसी तरह से बीट ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको यहाँ पर कितने सेकंड पर आपको बीट ऐड करना है तो वो आपको सेकंड देखने को मिल जाएगी। तो इधर से आपको सेकंड वाइज देखकर आपका सही से वीडियो ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से आपको इधर सभी में सेकंड वाइज देखकर ही आपका वीडियो रहेगा जो कि बहुत ही क्लासिक लगेगा। और उसी तरह से इधर आप सेकंड वाइज देख लेना जो कि मैं इधर वीडियो का थोड़ा इधर कुछ इसी तरह से आपको इधर सेकंड देखने को मिलेगी। तो उसी तरह से आपको सेकंड वाइज आपका जो वीडियो रहेगा वो आपको पोस्ट है वो सेकंड वाइज ऐड करोगे तो बहुत ही क्लासिक लगेगा। और उसी तरह से आपको सब बीट है वो कुछ इसी तरह से ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इधर यस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके जो बीट रहेंगे वो कुछ इसी तरह से आ जाएंगे। तो इधर से आपको थोड़ा जूम कर लेना है। जूम करने के बाद दोस्तों आपके सभी पोस्ट को कुछ इसी तरह से आपके बीट के हिसाब से कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से बीट के हिसाब से करने के बाद आपको सभी पोस्ट पर आपको कुछ इसी तरह से आपको अपने बीट के हिसाब से कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको इधर क्या करना है, आपको अपने पोस्ट को इसी तरह से आपके बीट के हिसाब से पोस्ट सभी ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इधर एफएक्स में जाना है और इधर से पहला पोस्ट रहेगा तो इधर से आपको जूम आउट का इफेक्ट है वो ऐड कर लेना है। तो इधर से पहले मैं जूम आउट का कर देते हैं और जूम आउट का करने के बाद यस पर क्लिक करना है। उसी तरह से दूसरे में एफएक्स पर क्लिक करना है और यहाँ से दूसरा ये इफेक्ट रहेगा ये आपको जूम इन का रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से दूसरा जूम इन का और पहला जो पहला पोस्ट है वो उसी तरह से आपको पहला पोस्ट है जूम आउट का तो उसी तरह से जूम आउट का कर देंगे और उसी तरह से दूसरा पोस्ट है हमारा ये जूम इन का है तो उसी तरह से आपको पूरे वीडियो में ऐड कर लेना है। तो उसी तरह से वीडियो में ऐड करोगे तो आपका वीडियो रहेगा बहुत ही क्लासिक देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से करने के बाद दोस्तों यहाँ से ब्लैक स्क्रीन एक जो कि ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट ऐड कर लेना है। उसी तरह से मैं यहाँ से ब्लैक स्क्रीन एक टेम्पलेट है वो ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपको इधर वीडियो वाला ऑप्शन पर जाना है और इधर से आपको अपना कौन सा भी ब्लैक स्क्रीन एक टेम्पलेट जो कि मैं इधर पहले एक टेम्पलेट ऐड कर लेता हूँ। उसी तरह से आपको इधर सुंदर एक अच्छा सा ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट ऐड कर लेना है। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैं यहाँ पर अपना जो भी अच्छा टेम्पलेट रहेगा वो ऐड कर लूँगा। तो उसी तरह से मैं यहाँ पर कुछ एक टेम्पलेट हम ऐड कर लेंगे। तो उसी तरह से मैं ये वाला टेम्पलेट है ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से मैंने इधर प्रोसेसिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और कुछ ही देर में हमारा वीडियो रहेगा उधर ऐड हो जाएंगे जो कि वो वीडियो में बहुत ही यूनिक देखने को मिल जाएगा। उसी तरह से इसे फुल कर देना है। फुल करने के बाद दोस्तों इधर नीचे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उधर क्लिक करना है। यहाँ से आपको स्किन कर देना है।
स्किन करने के बाद दोस्तों आपका वीडियो रहेगा वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही क्लासिक बन के रेडी हो जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ऊपर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ से यस पर क्लिक कर देना है, जो कि वीडियो रहेगा इजीली आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।